हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। दोस्तों, आज मेरे पास जो सेट है वो जियो का सेट है, लाइफ का। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो है जो स्पीकर जो है एयर स्पीकर है वो नहीं काम कर रहा। तो आइए इसका स्पीकर को रिपेयर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लाइफ जियो फ़ोन का जो है ये मॉडल नंबर है F271i, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका स्पीकर नहीं काम कर रहा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका स्पीकर और रिंगर दोनों के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, किस तरह से आपको एयर स्पीकर जो है उसको चेक करना है और किस तरह से जो है रिंगर जो है उसको चेक करना है और कैसे ठीक करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए इस फ़ोन को पहले खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने पेज खोल लिया। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने सेट को खोल दिया है। और इसके बाद आप स्पीकर का जो है स्पीकर को आपको रिपेयर कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप स्पीकर का प्रॉब्लम अगर आ रहा है आपके फ़ोन पे, तो आपको मीटर को बजर रेंज पे कर लेना है, ठीक है। मीटर को बजर रेंज पे करके स्पीकर के जो दोनों पॉइंट है उसको चेक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसका स्पीकर जो है ये ठीक है। इसका स्पीकर का जो कॉयल होता है वो ठीक है, बीप कर रहा है, मतलब वो जुड़ा हुआ है। अगर वो बीप नहीं करता तो वो ख़राब हो जाता है। कई बार बीप नहीं कर रहा तो समझिए स्पीकर कट गया, ठीक है दोस्तों। अभी अभी आपको करना क्या होगा, स्पीकर तो मैंने चेक कर लिया, स्पीकर तो मेरा ठीक है। अब जो है स्पीकर का जो पॉइंट है उसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कंटिन्यूटी मेरा बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला पॉइंट में मेरा कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। और इसमें देखिए रीडिंग 702 ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसा कहा था दोस्तों कि है ना, मैं रिंगर स्पीकर दोनों के बारे में बताऊंगा। तो रिंगर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको थोड़ा खोल लेता हूं। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है कि रिंगर को आपको कैसे ठीक करना है, कैसे चेक करना है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले तो आपको करना होगा कि इसका जो है रिंगर का जो वायर है वो निकाल लीजिए। ये वाइब्रेटर है, इसका भी वायर निकाल लेते हैं, बनाने रिपेयरिंग करने में आसानी होगी दोस्तों। ये मैंने निकाल लिया। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, रिंगर स्पीकर रिंगर को पहले चेक कर लेना है। रिंगर को कैसे चेक करना है, जैसे स्पीकर को चेक किया था वैसे ही रिंगर को भी चेक करना है। बीप करेगा समझ लीजिए मेरा रिंगर ठीक है दोस्तों। इसका जो रिंगर होता है, रिंगर का जो ये जो पॉइंट है, ये दोनों में कंटिन्यूटी बताना चाहिए मेरा। देखिए 500, ये देखिए इसमें भी बता रहा है और इसमें भी बता रहा है, मतलब मेरा रिंगर अभी सही है। लेकिन ज़्यादातर जो रिंगर अगर है ना, रिंगर आपका स्पीकर ठीक रहता है और ये पॉइंट में ना कंटिन्यूटी नहीं बताता है, तो आपको करना क्या होगा, ये देखिए सामने में दोनों दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। यहीं से इसका प्रॉब्लम होता है, ये वाला जो है यहाँ से आपको यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप यहाँ से ऐसे जम्पर कर सकते हैं तो इससे आपका रिंगर का प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाता है। कई बार यहाँ से होता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट आईसी से होता है। वो आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो में इसके लिए आराम से वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अभी तो जो प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये जो मेरा स्पीकर जो है, ठीक है, ये वाला जो स्पीकर है ये नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे जो कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको जो ये देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है,
देखिए दोस्तों, ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है, ये वाला जो है स्पीकर का सेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। और ये वाला जो है मेरा, ये रिंगर का सेक्शन होता है, ये जो है रिंगर का सेक्शन होता है। तो पहले तो देख लेते हैं कि कहाँ से, ये जो पहले वाला जिसमें कंटिन्यूटी मेरा बता रहा है, ठीक है, ये वाला जिसमें कंटिन्यूटी मेरा बता रहा है, ये वाला ट्रैक मेरा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे कंटिन्यूटी ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो कंटिन्यूटी जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा यहाँ पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। और इसका जो पॉइंट है, इसको भी चेक करना होगा। ये देखिए, मुझे एक जो है ना, एक जो कंपोनेंट है, ये वाला देखिए यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए ये वाला कंपोनेंट टूटा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर इस तरह का एक और कंपोनेंट होता है, इस ये देखिए नहीं है, इस वजह से लग रहा है प्रॉब्लम है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसका जो है सर वहीं पे है, जो जो टूटा हुआ है कंपोनेंट, वहीं पे इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा तार। जो देखिए दोस्तों, ये जो कंपोनेंट टूटा हुआ है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जो है ये वाला कंपोनेंट का जो पॉइंट है, इस वाला पॉइंट पे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो कंपोनेंट टूटा हुआ है, इस वजह से ये आगे सप्लाई नहीं दे पा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर 700 के करीब रीडिंग दे रहा है और इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं दे रहा। देखिए इस पॉइंट पे 700 के करीब रीडिंग दे रहा है और इस पॉइंट पे यहाँ पे 700 के करीब, देखिए यहाँ पे 600 ऐसा कुछ रीडिंग दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मुझे करना होगा, जंपर कर देना होगा, और नहीं तो फिर यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पे जंपर देना होगा, ठीक है। तो आइए इसको करके देखते हैं, ये वायर को थोड़ा छील लेते हैं, और ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पर आप ऐसे जंपर लगा दीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी भी कंटिन्यूटी मेरा नहीं बता रहा है, लग रहा है जंपर मेरा अच्छा से नहीं लगा है। तो अच्छे से इसको लगा देना है। ये देखिए अभी इसमें कंटिन्यूटी मेरा बताने लगा है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये वाला यहाँ कंपोनेंट जो मेरा मिसिंग था, यहाँ से मैंने ऐसे जंपर लगा दिया। अब जो इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, तो अब है दोस्तों इसका 100% जो है कि इसका जो 100% है कि इसमें स्पीकर का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। और रिंगर का तो मैंने बता ही दिया है, इस वाले कंपोनेंट से इसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है। अगर आप लोगों के फ़ोन में कभी अगर रिंगर का प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन घंटे वाला आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि उसी से मेरे वीडियो को आपके पास आता है जल्दी से जल्दी पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।